हाय गाइस, आज हम सब कृष्णा चौथी बना रहे हैं। आप सबको भी हमारी तरफ से कृष्णा चौथी मुबारक। प्यारे बच्चों, आज जश्न आजादी मना रहे हो ना? हाँ जी। तो मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछती हूँ, देखती हूँ कि आपको उनके आंसर आते हैं कि नहीं आते। पाकिस्तान से रिलेटेड सवाल पूछूंगी सारे, ठीक है? ओके। चले जी, आपने सिर्फ हैंड रेस करना है, आपने आंसर नहीं करना। जिस बच्चे को मैं कहूँगी फिर उस बच्चे ने वो आंसर करना है। पाकिस्तान का नेशनल स्लोगन क्या है? मायदा, पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ बिल्कुल सही जवाब। अच्छा नेक्स्ट, पाकिस्तान का नेशनल ड्रेस कौन सा है? अरहम। अच्छा प्यारे बच्चों बताओ, पाकिस्तान का नेशनल ड्रिंक कौन सा है? मोमिन, केन जूस। शाबाश। पाकिस्तान का नेशनल पोइट कौन है? असदुल्ला इलामा इकबाल। बिल्कुल सही। अच्छा बताए, पाकिस्तान की सबसे हॉटेस्ट प्लेस कौन सी है? अरहम, जैकोबाद। अच्छा जी, पाकिस्तान के कितने प्रोविंस हैं? मायदा, पांच। पाकिस्तान के प्रोविंस के नाम बताने प्यारे बच्चों। मायदा, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान। सही है। प्यारे बच्चों, नेशनल बर्ड कौन सा है? मोमिन, चिकोर। शाबाश। और जी ये बताओ कि पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है वो किसने लिखा है? अरहम, हफीज लंदरी। बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा ये बताएंगे, पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है वो कंपोज किसने किया है? बताएं, एजी चकला। हाँ बिल्कुल सही। पाकिस्तान का नेशनल फ्लोरल सिंबल क्या है? मोमिन, जैस्मीन। वाह शाबाश। अच्छा थोड़े से और सवाल करूँ प्यारे बच्चों? yes. मजा आ रहा है ना? आसान आंसर है ना? बहुत। मैं देखना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के बारे में आपको क्या क्या पता है। अच्छा प्यारे बच्चों ये बताओ कि पाकिस्तान की हाईएस्ट पीक कौन सी है? अरहम, K2। अच्छा पाकिस्तान के लॉन्गेस्ट ग्लेशियर कौन से है? मोमिन, मोमिन को आंसर नहीं आया। अरहम, ग्लेशियर। बिल्कुल सही। और पाकिस्तान के आर्टिफिशियल फॉरेस्ट कौन सा है? मोमिन, ठंडा मांगा। हाँ बिल्कुल सही आंसर। प्यारे बच्चों इस सवाल का आंसर बहुत मुश्किल है। आसान है, नहीं नहीं इसका मुश्किल है। अच्छा ये बताओ पाकिस्तान कब बना? सब बच्चे इकट्ठे बताओ। 1947। इसका आंसर तो सब बच्चों को आता है। पाकिस्तान की कुछ मेजर क्रॉप्स के नाम बताने जो पाकिस्तान में उगती है। मोमिन, वीट, राइस, शुगर केन। शाबाश। ठीक है। मोमिन को पता भी इसका आंसर। अच्छा अब आप मुझे ये बताएंगे कि पाकिस्तान का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है? मोमिन, कद्दू। प्यारे बच्चों ये बताओ कि पाकिस्तान की करेंसी का नाम क्या है? मायदा, नहीं आता। मायदा का नहीं आता। असर, बैंक दौलत पाकिस्तान। गलत। मोमिन, रुपीज है। सारे कहते थे हमें 10 रुपीज दे दो, 5 रुपीज दे दो, 50 रुपीज दे दो। तो आप लोगों को ये नहीं पता क्या करेंसी है पाकिस्तान की? रुपीज है। हाँ मोमिन जीत गया। प्यारे बच्चों ये बताओ पाकिस्तान किससे बनाया? एक दे ना सिर्फ एडवाइस करने। बताएगा जी अरहम, कायदे आजम। और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? मायदा, कायदे आजम। हाँ बिल्कुल सही। इसका मतलब है कि प्यारे बच्चों को सिर्फ जश्न आज़ादी मनाने का नहीं पता, बच्चों को पाकिस्तान के मुतालिक भी सब कुछ पता है। बच्चों बारी बारी आप लोगों ने अपने कोई पैगाम देना सब बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को। सबसे पहले मोमिन देंगे, दे मोमिन को मैसेज दे अपने फ्रेंड्स को। गाइस हमें ना 14 अगस्त वाले दिन ना बाजे ने बजाना चाहिए। और मायदा बाप दे कोई पैगाम अच्छा सा। गाइस हमें ना पूरी नमाजें पढ़नी चाहिए और तिलावत भी करनी चाहिए। शाबाश। और वहाँ बताया गाइस हमें ना बाजे ने देना चाहिए और अपने घर में फूल लगाने चाहिए। असल में अगर आपको पैसे देना चाहे तो दें आप। मैं देना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि हमें दरख्त लगाने चाहिए जिससे कि सबको छांव मिले और हमें सवाब मिले। पाकिस्तान जिंदाबाद।